ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। महल में अजीबोगरीब तरीके से मकसूद को सांप द्वारा काटे जाने के पीछे सुराग को ढूंढने के लिए मिर्जा हकीम मकसूद के कमरे की तलाशी लेने पहुंचे। इसमें क्या हो सकता है? इसकी चाबी यहीं कहीं होनी चाहिए। आया, मकसूद खान डाक मुंशी थे तो ये पैगाम तो होने ही थे। का कहूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी, अनबन मोसे काहे जी, भीतर बसी हो जब तुम, हुई क्यों मैं बेगानी जी, आप भुलानी काहे मोहे, नैयर छूटा क्यों अम्मा जी, हिरनी बन वन वन भटके, हैरान तेरी बेटी बावरी, ये महल में अवधी जुबान में किसने खत लिखा है? बेनजीर शाही हरम आगरा, बड़ा ही कमाल का खत है ये, बिल्कुल पहेली की तरह। पहेली? या खुदा, हमें तो रहीम के साथ पहेली खेलने जाना था। अगर हम वक्त पर नहीं गए तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। रहीम, हमें बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं, किसी दासी को कहकर आपके मिर्जा चाचा के पास संदेशा भिजवा देते हैं, या फिर आप ही को उन्हीं के पास भेज देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। सलाम भाभी जान। जी प्रणाम। हमें मुआफ कीजिएगा रहीम, हम कुछ ऐसा उलझे कि आपको दिया गया वादा कुछ देर में याद आया हमें। माफी छोटे मिर्जान से भी मांगनी होगी, आपकी वजह से इतनी देर तक जागना पड़ा उन्हें। ठीक है, हम भाभी जान से भी माफी मांगते हैं। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, आपको एक पहेली बतानी होगी। पूछिए ना मिर्जान, जो पहेली हमने आपसे पूछी थी। अब देरी से आए हैं तो सजा भी भुगतनी ही होगी, पूछिए भाभी जान। जी, जो पहेली है उसमें कुछ छिपा हुआ है और आपको खोजना है कि वो क्या है। पहेली है, जो भी खेले खेल ये मेरा, धाक जमा दूं उस पर मेरा, अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। ये कैसी पहेली हुई, इसमें क्या छुपा हो सकता है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए भाभी जान। दरअसल इस पहेली में रहीम ने हमारा नाम छिपाया था, जोधा अम्मी। वो कैसे? वो ऐसे कि हर एक पंक्ति का पहला अक्षर लीजिए और उसे आपस में जोड़िए, जैसे जो भी खेले खेल ये मेरा का जो, धाक जमा दूं उस पर मेरा का धा, जोधा, अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना का मी, जोधा अम्मी। अरे हाँ भाई, वाह रहीम, बहुत ही उम्दा पहेली पूछी आपने। मिर्जा चाचा हार गए, मिर्जा चाचा हार गए, मिर्जा चाचा हार गए। भाभी जान, क्या बेनजीर मुसलमान है? हाँ, परंतु आप ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते, नाम से पता नहीं चलता? वही तो, हमें भी लगा कि बेनजीर मुसलमान है,
लेकिन फिर वो अपनी माँ को अवधी जुबान में क्यों पैगाम भेजती है? हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। और देवर जी, आप बेनजीर के विषय में हमसे कुछ मत पूछिए। क्या बात है भाभी जान, आप कुछ खफा हैं उनसे? आप भी अपनी भाईजान जैसी बात कर रहे हैं, वो भी हमसे यही प्रश्न पूछते हैं। तो मतलब आप बेनजीर से नहीं भाईजान से खफा हैं? हमने ऐसा कब कहा? कहा नहीं भाभी जान, लेकिन पता चल जाता है। खैर, बहुत रात हो गई है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। जी प्रणाम। ये क्या कह गए देवर जी कि पता चल जाता है? हमारे व्यवहार में ऐसा क्या है ये सबको पता चल जाता है कि हमें वो बेनजीर बिल्कुल नहीं पाती? ये लो, फिर हार गए हम। आपके सामने तो कभी जीत ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे साथ खेलने में हमें मजा नहीं आता होशियार। खेल तो जलाल के साथ जमता है। हाय 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 हाय, आपका हुक्म हो तो शहंशाह को ये पैगाम दे आऊं? नहीं, क्योंकि इस बार हम उनसे खफा हैं। हरम में सारी बेगमों और बांदियों को बुलाकर सियासत पर मशवरा करने की क्या जरूरत थी उन्हें? जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मलिका आजम तक के सामने कह दिया कि उन्हें बेगमों की सलाह की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी तौहीन हुई। जब आपको पता है ये सब जोधा बेगम के लिए हो रहा था, तो आप क्यों खफा हो रही हैं? क्योंकि किसी और के लिए हमें बीच में घसीटा जाना ये हमें बर्दाश्त नहीं। अगर हमें पता होता कि वहाँ ये मसलत होने वाली है तो हम वहाँ कभी नहीं जाते। सियासी मामलों में उस कल की आई हुई बांदी बेनजीर तक को शामिल कर दिया। जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए जलाल और महामंगा का ऐसा करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर से शतरंज बिछाओ, हम फिर से जीतना चाहते हैं। जी। जोधा बेगम के बारे में महामंगा कुछ ज्यादा ही सोच रही है। बेकार में उन्हें अहमियत दे रही है और बेइज्जती हमारी हो रही है। आज ही क्यों जा रही हो? इम्तियाज खान ने कल कहा है तो फिर? कल तक का इंतजार नहीं करना है हमें। अगर आज हमने शहंशाह को खत्म कर दिया तो आज रात को मौका पाकर इम्तियाज खान के साथ यहाँ से फरार हो जाएंगे। जब सबको कल पता चल जाएगा तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। कल लोग मातम में होंगे और किसी को हमारा ख्याल भी नहीं आएगा। मगर शहंशाह के बिना बुलाए जाओगी? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास चलकर नहीं आता। हमें शहंशाह की जरूरत है। जो काम करने आए थे वो तो खत्म करना ही होगा ना। जहर काफी है। संभल कर बेनजीर, शहंशाह के लिए बचा कर रखो। शहंशाह की जिंदगी लेने के लिए बहुत है। अगर आज रात काम हो गया तो इस आईने में दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। मुगल सल्तनत के आईने में आखिरी बार अपने आप को जी भर के देखते ले। होशियार रहना बेनजीर। हम होशियार रहेंगे, मगर तुम तैयार रहना। शहंशाह को जहर देने के बाद हमें अपनी खुराक की जरूरत पड़ेगी। तुम सांप तैयार रखना। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेनजीर आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। भेजो उन्हें। बेनजीर इस वक्त यहाँ? सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, कोहिनूर का खिताब हमने आपको वाचिप दिया है। खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको। गरीब के घर खूबसूरती आना अजाब होता है शहंशाह। जिसने नजर डाली वो अच्छी नहीं डाली, और जिसने नजर डाली सिर्फ हमारे हुस्न पर डाली। हमारे मन में क्या चल रहा है किसी के समझ नहीं आती। माफी चाहते हैं बेनजीर, लेकिन
दिल नहीं है हमारे पास। आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। ये तो सब कहते हैं, मगर हमारा मानना है कि आपके सीने में बहुत बड़ा दिल है। एक बांदी को इतनी इज्जत दी, कोहिनूर का खिताब दिया, मगर अफसोस कनीज के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यही मौका है बेनजीर, आज हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। अगर शहंशाह की इजाजत हो तो कनीज अपने आप को शहंशाह को सौंपना चाहती है। आंखें बंद कर लीजिए शहंशाह। आदाब शहंशाह, आदाब। हमारे पास वक्त खत्म हो जा रहा है और जलाल की बेगमें किसी भी वक्त आ जाती है। अब फिर से कल रात का इंतजार करना होगा। माफी चाहते हैं, हम गलत वक्त पर यहाँ आ गए, मगर आपसे बात करना जरूरी था। रुकैया, तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए वक्त बेवक्त कैसा? बताओ किस बात से खफा हो? हम आपसे खफा हैं जलाल। आपने हमें मलिकाए बेगम का ओहदा दिया और सारी बेगमों के बीच, यहाँ तक इस बांदी बेनजीर के सामने आपने कह दिया कि आपको बेगमों की सलाह की जरूरत नहीं है, कि उनकी सलाह लेने लायक नहीं है। बताइए जलाल, ऐसी कौन सी सलाह है जो हमने आपको दी और आपके काम न आई हो? तो तुम इस बात से खफा हो? रुकैया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारा निशाना कहीं और था। अगर आपका निशाना किसी और के लिए था तो आपको कह देना चाहिए था कि रुकैया बेगम के अलावा कोई बेगम आपको सलाह ना दे। ये तो हमारी बेइज्जती हुई ना। जोधा बेगम को जितने ताने मारने हैं आप मारिए, एक नहीं हजार मारिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ताना बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी यही बात हमें बेहद पसंद है रुकैया। तुम भी हमारी तरह ताकत औदे और रुतबे को अहमियत देती हो। बेशक, ताकत और रुतबे की इज्जत के साथ साथ उसे संभालना भी पड़ता है जलाल। तो ठीक है, आइंदा हमें जब भी मौका मिलेगा हम ये बात साफ कर देंगे कि रुकैया बेगम मलिकाए बेगम है, उनका रुतबा सबसे जुदा है। खुश, अब तुम ये बताओ कि तुम कल की कुश्ती के बारे में क्या सोचती हो? सुना है बहुत पहुंचा हुआ पहलवान है, अब मुगल सल्तनत को ललकारा है उसने, जवाब देखने में मजा आएगा। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जैसा कि आप सबको खबर दी जा चुकी है कि चुनार के पहलवान इम्तियाज खान ने मुगल सल्तनत के बहादुरों को ललकारा है मुकाबले के लिए,
और शहंशाह ने उस ललकार का जवाब देने का फैसला किया है। इम्तियाज खान एक एक करके तीन पहलवानों से लड़ेंगे। अगर उनमें से किसी भी पहलवान ने इम्तियाज खान को शिकस्त दी तो इम्तियाज खान को सल्तनत का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और अगर इम्तियाज खान ने उन पहलवानों को मात दी तो बादशाह को हार कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे इल्तिजा है कि इस मुकाबले का मजा लीजिए। मुकाबला शुरू किया जाए। अगर इम्तियाज जीत गया तो वक्त से पहले कयास लगाना बेवकूफी है जकीरा। इम्तियाज केवल मैदान में आया है, जीता नहीं। ये मत भूलो कि मुगल सल्तनत में भी जाबाज मौजूद है। हो सकता है ये मुकाबला खुद इम्तियाज खान के लिए इम्तिहान बन जाएगा। अब आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपके इस तीसरे पहलवान को भी मैंने हरा दिया तो आपको अपनी शिकस्त सबके सामने कबूल करनी होगी। बुलाओ आपका तीसरा पहलवान, कहाँ है वो? ये हमारी नहीं, हमारी मुगल सल्तनत की बिताई, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारा तीसरा पहलवान बाकी हुजूर। कोई पहलवान नहीं जाएगा, हम खुद जाएंगे। नहीं शहंशाह, हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम आपसे अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा शहंशाह, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं शहंशाह, हम आपको मुकाबले में शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। आप हमें गलत मत समझिए, हमें आपकी काबिलियत पर और आपकी ताकत पर शक नहीं है, पर एक अदनी से पहलवान के साथ मुकाबला करना आपकी शान के खिलाफ है। तो फिर हमारे अलावा हम किस भरोसा करें जो ये मुकाबला नहीं हारेगा? बड़ी अम्मी, एक शख्स है शहंशाह। कौन है वो? आदम खान। नहीं बड़ी अम्मी, मुझसे इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने दे सकते। वो हमारा गुनहगार है, हम उसे माफ नहीं कर सकते हैं, हम उसे अपनी वफादारी का हक नहीं दे सकते। बेशक हक मत दीजिए शहंशाह, मगर मुगल सल्तनत का बाशिंदा होने का फर्ज पूरा करने का मौका तो दे सकते हैं आप उसे। और ये बात हम आदम खान के अम्मी जान के तौर पर नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर आलिया के तौर पर कह रहे हैं कि हम वादा करते हैं आपसे, आदम खान आपकी और मुगल सल्तनत की इज्जत को दाव पर नहीं लगने देंगे। इम्तियाज खान को हराने की ताकत है आदम खान में, ये आप भी जानते हैं जलाल। पर बड़ी अम्मी, वो हमारे साथ साथ रुकैया बेगम का भी गुनहगार है। उसे कैद से निकाल कर मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। वो हक सिर्फ और सिर्फ रुकैया बेगम का है। इस बारे में हमें एक बार रुकैया बेगम से मसलत करनी होगी। तब तक हम चाहते हैं कि इस मुकाबले को रोक दिया जाए। जी बस किसी तरह बेगम रुकैया हाँ कर दे एक बार,
फिर तो आदम खान के लिए एक ही मौका काफी है। ये आप क्या कह रहे हैं जलाल? आप शहंशाह हैं और आप सीधे मुकाबले में नहीं उतर सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो मुगल सल्तनत अपना शहंशाह खो बैठेगी। तुम्हें क्या लगता है रुकैया कि हम उस पहलवान को शिकस्त नहीं दे पाएंगे? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हमें यकीन है कि आप उसे शिकस्त दे देंगे, लेकिन जलाल एक शहंशाह एक आम आदमी को हराए तो इसमें कोई शान की बात नहीं है, बल्कि जीत कर भी हम ही हारेंगे। पैगाम ये जाएगा कि मुगल सल्तनत में कोई बहादुर बचा ही नहीं, इसीलिए खुद शहंशाह को मुकाबले में उतरना पड़ा। तो फिर हम क्या करें रुकैया? वही जो वजीर आलिया का मशवरा है, अदम खान को मुकाबले में उतार दीजिए। वैसे भी अभी वो कैद में है और एक आम आदमी है, अगर वो इम्तियाज से लड़ेगा तो इसमें क्या बुराई है जलाल? और हमें यकीन है ये फतेह अदम खान की होगी, बहुत ताकत है उनमें। और हम चाहते हैं कि जिसने मुगल सल्तनत के सीने पर आकर मुकाबले को ललकारा है, अदम खान उसका सीना चीर डाले। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते रुकिया, वो हमारा गुनहगार है, उसने हमारे निकाह पर सवाल उठाया है और इस गुनाह की सजा भी भुगत रहा है वो। आपका दूध भाई होकर, वजीर आला का बेटा होकर वो कैद में है जलाल। तहजीब यही है कि शहंशाह को शहंशाह और सिपाही को सिपाही से मुकाबला करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत का भी सवाल है। और ऐसा नहीं है कि अदम खान ने जो किया उसे हम भूल गए हैं, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत की खातिर और आपकी शान की खातिर आपकी ये बेगम खास अदम खान को मुआफ करने के लिए तैयार है।